नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं पत्ता गोभी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसके ये ऊपर के ये जो पत्ते होते हैं इनको निकाल देंगे, फिर इसको काट लेंगे, बारीक बारीक पत्ते काट लेंगे। इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अब मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया था पानी, इसको बॉईल अच्छी तरह से कर लेंगे, जिससे इसकी जो गंदगी होती है, मिट्टी होती है, वो निकलने, कभी कभी कीड़े भी होते हैं। मैंने उसको धो लिया था अच्छी तरह से। अब डालते हैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, हींग, जीरा, प्याज, और इसको मीडियम आंच पर ही भूनेंगे। फिर मैंने डाल ली है 2 हरी मिर्ची। आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी। फिर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मीडियम आंच पर ही इनको भूनेंगे। स्वाद अकॉर्डिंग नमक, काला नमक, अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे इसको। फिर मैंने डाले हैं आलू, पत्ता गोभी। तेज आंच पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब जितनी मीडियम आंच पर सब्जी बनाएंगे उतनी ही टेस्टी बनती है। चलिए अब इसको ढक देते हैं। आप इसे पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी, और दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। देखिए इसको अब चेक कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह से पक गए हैं। अब बीच में जगह करके डालते हैं इसमें टमाटर। टमाटर से काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें खट्टापन आ जाता है। देखिए अब इसको ढक देते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब डालेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, फिर डालेंगे इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मीडियम आंच पर इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर डालते हैं धनिया। देखिए इस तरह से भून लेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसके सैंडविच भी बनाकर खा सकते हैं सब्जी के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। थैंक यू।